नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नज़र डालते हैं देश भर की प्रमुख बड़ी खबरों पर। दिल्ली हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत, 300 से अधिक घायल। पुलिस के अनुसार 123 FIR दर्ज, वहीं 630 उपद्रवी भी पकड़ाए। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। कन्हैया कुमार अनिर्वाण उमर खालिद सहित 7 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा तय। कन्हैया कुमार ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। तीसरी खबर निर्भया केस से जुड़ी हुई है, जिसमें आरोपी पवन गुप्ता ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर करके फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग करते हुए 3 मार्च को होने वाली फांसी पर रोक लगाने की बात की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों को शिक्षा में 5% आरक्षण मिल सकता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि इसे हित जल्द लाएंगे प्रस्ताव। वहीं अंकित शर्मा की हत्या के मामले में निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन फरार, अब तक नहीं लगा सकी है पुलिस कोई पता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के शिलान्यास करने के साथ ही साथ 27,000 दिव्यांगों को सहायता यंत्र उपलब्ध करा करके विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं विपक्ष को घेरते हुए, ऐसा अमित शाह ने एक रैली के माध्यम से लोग को संबोधित करते हुए कहा। अगली खबर पुलवामा अटैक से जुड़ी हुई है। पुलवामा आतंकी हमले में साकिर मागरे 15 दिन के NIA कस्टडी में भेजे गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सोनिया गांधी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर दिल्ली हिंसा के मामले में जांच करने की बात कही। सोनिया गांधी की यह 5 सदस्यीय कमेटी हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगी और उस हिसाब से जांच का निर्माण करेगी। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।